हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल ग्लैमली तंसु। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आप अपने आंखों के नीचे के काले घेरे को कैसे हटा सकते हैं। अगर आपके आईज के अराउंड डार्क सर्कल है, काला घेरा है, तो आप उसे कैसे क्लियर कर सकते हो, वो भी घरेलू नुस्खे से। गाइस, तो सबसे पहले मैं बता दूं गाइस, ये आईज के नीचे आईज की जो अराउंड है, जो नीचे का एरिया हमारा काला क्यों होता है, रीजन तो काला क्यों होता है पता नहीं क्यों आज जुबान मेरी फिसल रही है। तो उसका रीजन गाइज ये है, क्या कहते हैं, प्रॉपर डाइट ना लेने की वजह से भी हमारी आंखों के नीचे काला घेरा हो जाता है, हमारी आंखों के नीचे ब्लैक हो जाती है स्किन। सेकंड, क्या कहते हैं, कई बार देर रात तक जगना, कई बार नहीं, जब हमारी हैबिट हो जाती है, हमारे ऊपर वर्क लोड रहता है, हम देर रात तक जगने लगते हैं, तो उससे भी हमारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल की प्रॉब्लम्स हो जाती है। या चाय ज्यादा पीने की वजह से गाइस, शायद आपको सुनकर इस बात पे हंसी भी लगे या हैरानी हो, या आप इसको आपको इसे पहले से भी पता हो, चाय ज्यादा पीने की वजह से भी हमारी स्किन जो है आईज के अराउंड डार्क सर्कल हो जाते हैं। वो कैसे हो जाता है गाइज, मैं आपको बताती हूँ। चाय पीने से गाइज ना क्या होता है, हमारा ब्लड जलता है, हमारा जो खून है ना वो जल जाता है। अगर आप एक मिनट के लिए मान लो, आपको जब भी भूख लगी हो ना, आप उस समय अगर चाय पी ले, तो आपका जो भूख है ना, आपकी जो भूख है ना, वो तुरंत ही मिट जाती है, आपको भूख नहीं लगती। जितनी तड़प खाना खाने के लिए, रोटी खाने के लिए आप में पहले रहती है, वो तड़प आप में नहीं रह जाती है। तो गाइज ये होता है जब हम प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं या हमारी भूख मिट जाती है ना, तो इससे फिर हमारी हेल्थ कमजोर होने लगती है और आईज के अराउंड हमारे डार्क सर्कल हो जाते हैं। टेंशन ज्यादा लेना, प्रॉपर डाइट ना लेना, चाय ज्यादा पीना, और क्या, कई बार ऐसा होता है कि हम में किसी चीज की एलर्जी हो जाती है, जब हम कोई फेस पैक वगैरह लगाते हैं, हमें उसके बारे में नॉलेज नहीं होती, हम उसे आईज के अराउंड लगा लेते हैं गाइस, तब भी उसका असर क्या होता है, हमारे आईज के अराउंड जो है ब्लैकनेस हो जाती है गाइस। तो इन सबको आपने कैसे रिमूव करना है, कैसे उसको अपने फेस के कलर में लेके आना है गाइस, बिल्कुल नेचुरल तरीके से मैं बताऊंगी, और जिसका 100% आपको रिजल्ट मिलेगा, आपकी स्किन जो है बिल्कुल आपके फेस के कलर में आ जाएगी, आईज के आपकी आंखों के नीचे जो काला घेरा होगा वो आपका गायब हो जाएगा गाइस। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले आपने क्या करना है गाइस ना, आपने हनी ले लेना है, इस तरह आपने शहद गाइस एक स्पून ले लेना है, और इसमें ऐड करना है गाइस ना चावल का आटा, आपने इस तरह, ये देख सकते हैं, मैंने बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है क्योंकि हमें इसका ज्यादा काम नहीं है, आपने बस इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसे अपने फिंगर की हेल्प से लेना है, और इससे ऐसे आपने आईज के अराउंड ऐसे आपने इसे मसाज करनी है ऐसे गाइस, आपने हल्के हाथों बिल्कुल इस तरह आपने मसाज करना है ना गाइस, कि आपके आंखों के अंदर ये ना जाए, आपको कोई प्रॉब्लम ना, बिल्कुल हल्के हाथों आपने 2 से 3 सेकंड ऐसे आपने मसाज करनी है, दोनों आईज के अराउंड गाइस ऐसे आपने मसाज कर लेना है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा गाइस, इस तरह आपने चाहे तो अपने आंखों को बंद करके आप इस तरह ऐसे कर सकते हैं, और ऐसे करने के बाद ना आपने इसे 2 से 4 मिनट के लिए ऐसे आपने आंखों के पास छोड़ देना है गाइस, तभी हमारा मसाज हो गया अच्छी तरह, या बोल दो आप स्क्रब कर रहे हो आईज के अराउंड इस तरह, क्योंकि अपने एरिया को पहले हमें क्लीन करना है। किसी चीज पे अगर आपको प्रॉपर रिजल्ट पाना है गाइज ना, तो उसे पहले अच्छी तरह आपने अपने उसे क्लीन करना होगा, तभी जब आप उस पर कोई चीज लगाएंगे ना, तो उसका इफेक्ट जो है आपकी स्किन पे बहुत अच्छा होगा। तो सबसे पहले हमें अपनी स्किन को ऐसे क्लीन कर लेना है आईज के अराउंड अपने एरियाज को, उसके बाद इसे मसाज कर लेना है, स्क्रब कर लेना है। इस तरह करने के बाद गाइज ना आपने इसे कॉटन की हेल्प से, या आप इसे नॉर्मल वाटर से अपने आईज के अराउंड इसे क्लीन कर लेना है गाइस। यहाँ पे गाइस मैंने टिश्यू पेपर लिया है, अब इसे अच्छी तरह मैं अपने आंखों के नीचे जो मैंने ये मसाज किया है इसे मैं क्लीन कर लूंगी। इस तरह आपने इसे क्लीन कर लेना है गाइस। अपने गर्म पानी का यूज नहीं करना है बिल्कुल भी अपने आईज के अराउंड, अपने अगर आप इस रेमेडी को लगा रहे हैं, आप इसे यूज कर रहे हैं, तो अपने गर्म पानी को नहीं करना है, इस तरह आपने क्लीन कर लेना है, उसके बाद हल्का पानी लेकर के आपने इसे वॉश कर लेना है गाइज। गाइज आपने एक बाउल में कोकोनट ऑयल लेना है, तो यहाँ पे मैंने ये कोकोनट ऑयल ले लिया है, आप देख सकते हैं, अभी ये विंटर है, थोड़ा सा ये हल्का अभी शाम सुबह के टाइम जो मौसम चेंज रहता है थोड़ा सा ना, अभी हल्का ठंड रहता है, तो इस वजह से थोड़ा जम गया, मैंने इसे गर्म नहीं किया, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि क्या कहते हैं, आपने गर्म पानी इसे नहीं धुलना है, तो अपने तेल को भी गर्म नहीं करना है। उसके बाद आपने क्या करना है गाइज, आपने लेना है ऐसे कॉटन को आपने अच्छी तरह इसमें डिप कर लेना है,
और अच्छी तरह जब आपका डिप हो जाएगा गाइज ना कॉटन, अभी आप देख सकते हैं इसमें पूरा तेल जो है बिल्कुल ऐसे लिपट सा गया, आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह इसमें आपका तेल जो है अच्छी तरह इसमें सेट हो गया है। फिर गाइज आपने क्या करना है ना, इसे आपने लेना है ऐसे और इसको दो पार्ट में ऐसे डिवाइड करने हैं, और डिवाइड करने के बाद आपने इसे अपने आईज के अराउंड के जो एरिया है उस शेप में आपने इसे लेके आना है। इसी तरह आपने करना है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आपने इसे अपनी आंखों के नीचे ऐसे गाइज, तो इस तरह गाइज आपने इसे लगा लेना है और 15 ट्राई करें, 10 से 15 मिनट आपने मिनिमम टाइम इसे देना ही देना है अपनी आंखों के पास ऐसे लगाकर। आप चाहें तो सो सकते हैं या कोई काम भी कर सकते हैं, आपका ये फिक्स रहेगा, आपका नीचे नहीं गाइज आएगा। अगर आप ये बिल्कुल, अगर आप जमा होगा ना दही जो कहते हैं, बिल्कुल हार्ड रहेगी ऐसे क्रीम की तरह रहेगी, तो आप उसमें अगर कॉटन को डिप करके करेंगे तो आपके आईज के नीचे से ये हटेगी नहीं गाइज, और लिक्विड फॉर्म में रहेगी। तो जैसा मैंने आपको बताया फ्रिज में रख के आप इसको वो क्या कहते हैं जमा सकते हैं, जम सा जाएगा तो फिर आप इसे यूज कर सकते हैं। 15 मिनट बाद आप इसे गाइस क्लीन कॉटन को हटा सकते हैं, तो ये जो ऑयल है ना ये आपकी स्किन पे आ जाएगा, इसमें से कॉटन से वो ऑयल निकल जाएगा। एंड सेकेंड गाइस, आप इस रेमेडी को डे बाय डे यूज कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और इसका जो रिजल्ट है गाइस ना आपको 1 वीक के अंदर दिखने लगेगा। 1 हफ्ते के अंदर आपकी जो स्किन है ना बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और ब्राइट हो जाएगी। तो चलिए मेरा 15 मिनट कंप्लीट हो जाए तो फिर मैं आपको मिलती हूँ। तो यहाँ पे गाइज हमारा 15 मिनट कंप्लीट हो गया है, अब मैं इसे निकाल लूंगी और आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे ऑयल जो है अच्छी तरह हमारे आंखों के नीचे लग गया। तो इस तरह गाइज पूरा ऑयल आपके आंखों के नीचे आ जाएगा और आपका बिल्कुल ये इस तरह हो जाएगा, बिल्कुल हल्का ड्राई सा आपको नजर आएगा, इस तरह गाइज आप देख सकते हैं। तो इस तरह गाइज आप इसे लगाकर अपनी आंखों के नीचे के डार्क सर्कल को आप क्लीन कर, गाइज इस रेमेडी से आप अपनी स्किन को बहुत ही ज्यादा क्लियर कर सकते हैं, अपने आईज के अराउंड जो डार्कनेस है उसे क्लीन कर सकते हैं। गाइज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, और अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड हाँ, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना जिससे ज्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सकें और इसे अपने फेस पर लगाकर अपने फेस को क्लीन कर सके। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।